जीएसटी के बाद पहला, लेकिन मोदी सरकार के पहले टर्म का आखिरी बजट। बजट से पहले संसद में पेश हुआ 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे। सर्वे ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का असर अब दिख रहा है। इस आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019 में जीडीपी ग्रोथ के 7 से 7.5% के बीच रहने का अनुमान है। दुनिया भर में धराशाही हो रही बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों के बावजूद मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2018 में जीडीपी ग्रोथ के 6.75% रहने का अनुमान है। इस सर्वेक्षण में सरकार ने साफ किया है कि उसका मुख्य फोकस शिक्षा और रोजगार पर ही होगा। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2018 में सर्विस सेक्टर में 8.3% ग्रोथ रहने का अनुमान है। इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद एक्सपोर्ट सेक्टर से है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ के 8% रहने का अनुमान है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी की बात करें तो कलेक्शन में 50% की बढ़ोतरी हुई है। पहले 8 महीनों में जीएसटी कलेक्शन अनुमान के मुताबिक ही रहा है। जीएसटी आंकड़ों में टैक्स पेयर्स की संख्या में भी 50% की बढ़ोतरी हुई है। तमाम ग्लोबल एजेंसियों के बाद अब देश के इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस बात के संकेत दे दिए कि मोदी सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था खूब फल फूल रही है।